को वहाँ पे 2-3 हमारे सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स भी मिले जो हमारी वीडियो देखते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो वेलकम टू दी सीरीज सरोजनी नगर इन इंदौर। वी आर एट दी एपिसोड नंबर 2 विच इज अपोलो टावर। अपोलो टावर इज सिचुएटेड एट पलास या जस्ट अपोजिट ऑफ छापा। वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ सरोजनी नगर इन इंदौर एंड वी आर एट आवर फेवरेट प्लेस अपोलो टावर। So guys, if you know me, you know that I love Apollo Tower. It's one of my like most favorite place to shop in Indore. So guys, Apollo Tower में आप लोगों को मिलेंगे trendy clothes, वो भी बहुत ही affordable price. तो आइए और मिलकर explore करते हैं। So guys, enter करते ही पित्रेश्वर के like just side में यहाँ पे एक lane लगी है। अभी भैया ने नई shop लगाई है। यहाँ पे भी मुझे like काफी अच्छे pieces मिले, एकदम like new things. Just like this knitted beach kind of top, which is like super trendy and so cute. It was for ₹250 only. And इस बार थोड़ा कुछ new भी दिखा, जैसे कि double cami tops और फिर से वही सारे basic tops से 250-300 की range में। And if you know, जब से मैं Apollo आई हूँ मैंने देखा है accelerator कभी भी नहीं चलता था, all of sudden ये भी चलने लगा। Then next हम first floor पे गए, so left hand पे जो पहले पितरेश्वर की शॉप हुआ करती थी वहाँ पे अभी न्यू शॉप खुली है नेम्ड एज फरीदा। और वहाँ का कलेक्शन मुझे काफ़ी लाइक क्यूट सा लगा, लाइक ट्रेंडी टॉप से लेके ट्रेंडी ड्रेसेस, लॉन्ग मैक्सी ड्रेसेस और काफ़ी सारे अच्छे से बॉटम वियर्स। और यहाँ का लाइक प्राइस रेंज भी वही 250-300-400 से ज़्यादा नहीं था एंड कलरफुल था काफ़ी लाइक कलेक्शन उनका, जो अभी एक इंस्टा ट्रेंडी यू कैन से दैट। सो गाइस, डेफिनेटली आपको भी सरोजनी नगर में भी ऐसा ही कुछ कलेक्शन मिलेगा जैसे ये शर्ट एंड ऑल। और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी एंड इनका था 250-300 समथिंग कुछ था प्राइस। वहाँ पे कम होगा ऑब्वियसली, 100-200 होगा वो भी बार्गेनिंग करवाने के बाद, बट इसकी क्वालिटी अच्छी थी एंड कुछ भी ऐसा डिफेक्टिव ऐसा कुछ नहीं था, सो वी कैन पे फॉर दैट। एंड दिस टाइप ऑफ ड्रेसेस वो ऑल्सो अवेलेबल इन सरोजनी मार्केट जब मैंने थोड़े टाइम पहले विजिट किया था। एंड ओ दिस टी शर्ट फॉर ऑल दी टाइडाई लवर्स, अभी टाइडाई का तो काफ़ी लाइक ट्रेंड चल रहा है। सो नेक्स्ट थिंग मैं जिससे इम्प्रेस हुई वो थे ये प्रिंटेड वाले शर्ट्स और ये वाइट शर्ट्स, जिनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। ऑब्वियसली प्राइस इनका ज़्यादा था 550, बट आई वुड से 550 फॉर दिस क्वालिटी इज लाइक टू गुड यार, एकदम 100। तो आइए मैं तीनों शॉप के आपको अच्छे से एड्रेस समझा देती हूँ। सो गाइस, फर्स्ट शॉप पितरेश्वर, आई एम श्योर आप सबको इसका तो पता ही होगा एड्रेस। देन टू आप जैसे एंटर करोगे वहाँ पे फर्स्ट शॉप आपको दिखेगी पितरेश्वर, उसके साइड में भी पितरेश्वर है, एक देन राइट हैंड साइड फर्स्ट फ्लोर पे भी पितरेश्वर है। उनका लाइक कलेक्शन मुझे हमेशा इम्प्रेस करता है। देन नेक्स्ट शॉप नंबर 2 फरीदा, यहाँ पे मुझे लाइक काफ़ी अच्छा इनका भी कलेक्शन लगता है। ये लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट फ्लोर पे एकदम कॉर्नर पे, लेफ्ट कॉर्नर पे शॉप। सो गाइस, नाउ लेट्स मूव टू माय नेक्स्ट फेवरेट शॉप डेजल। तो अब मैं आपको बताऊंगी वन ऑफ माय फेवरेट शॉप डेजल के बारे में, उसका पूरा कलेक्शन। यहाँ पे बेस्ट आपको मिलेगा पार्टी वेयर, क्रॉप टॉप, स्कर्ट, शॉर्ट्स एंड सारी चीज़ें। एंड इस टाइप का टॉप आपने इंस्टा पे भी हर जगह देखा था। इवन आई सो अवनीत कौर वेयर सच काइंड ऑफ ड्रेस और टॉप कुछ ऐसा। इट इज़ लाइक अ टॉप हेवन, लाइक क्रॉप टॉप हेवन, प्रिंटेड टॉप्स एंड लाइक फुल स्लीव्स वाला एकदम हेवन। आपको ऐसा फील आएगा हर तरफ पे इतने क्यूट क्यूट एंड दिस सिमिलर स्कर्ट आई हैव। एंड डेजल का कलेक्शन तो बहुत प्यारा होता है गाइस, लेकिन वहाँ के जो हेल्पर्स होते हैं वो भी बहुत ही आपको अच्छे से हेल्प कर देंगे कन्वीनियंट तरीके से। जस्ट आपको बोलना है उनको कि हमको क्रॉप टॉप चाहिए तो आपको हर जगह के क्रॉप टॉप बता देंगे। नीचे आएगा इसके
सो गाइज दीज टाइप ऑफ ड्रेसेस मैंने डेफिनेटली सरोजनी नगर में स्पोर्ट की थी एंड वहाँ के जो हेल्पर्स थे दीदी या सारी मेरे को लाइक हेल्प कर रही थी वो हर मैंने कहा अगर ब्लैक कलर में तो उन्होंने ब्लैक कलर में भी अवेलेबल करवा के दी ये ड्रेस उन्होंने अगर आपको कुछ ऐसा प्रिफर करते हो आपको किस टाइप में किस कलर में चाहिए तो वो थोड़ी देर में वो भी आपको अवेलेबल करवा दे रही थी एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाई देयर सर्विस आई हैव अ थिंग फॉर येलो कलर आई डोंट नो व्हाई अभी भी येलो कलर सो आफ्टर डूइंग दिस लेम डांस वी वेंट टू ग्राउंड फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर पे काफ़ी सारे आपको ऐसे कोर्ट सेट्स देखने को मिलेंगे जिनका प्राइस 1800 का रहेगा फिर से वी स्पोर्ट दिस ड्रेस इन रेड कलर सो फनी सो क्योंकि अभी दिवाली सीजन चल रहा है फेस्टिव सीजन तो इस टाइप की एथनिक स्कर्ट्स भी कुछ कहीं कहीं पे हमको स्पोर्ट करने को मिली है एथनिक में भी कुछ कुछ अभी अपोलो में कलेक्शन अच्छा आता जा रहा है आई वुड से दैट ग्राउंड फ्लोर पे जैसे ही आप जाओगे राइट हैंड साइड वाली गली पे जाओगे आप तो वैसे ही एक वेस्टर्न देसी करके अंकल की शॉप है काफी कूल सा इनका भी कलेक्शन है ट्रेंडी आइटम्स है सारे ड्रेसेस से लेके टॉप से लेके कुछ यूनिक यूनिक पीसेस भी दिखे यहाँ पे मेरे को मांगती है ना लड़कियां फोटो दिखा दिखा के कि ये दे वो दे इसका प्रिंट देखो और फैब्रिक देखो तो गाइस यहाँ पे फुटवेयर के बारे में अगर बात की जाए तो आपको कुछ हील्स कुछ फ्लैट्स ऐसे मिल जाएंगे जो ज़ारा H&M इनकी कॉपी होगी बट ऑब्वियसली उसकी सोल इतनी अच्छी नहीं होती है बट 200-300 में आपको फ्लैट्स मिल जाएंगे 500-600 में हील्स मिल जाएगी एंड दैट इज़ लाइक अ कूल थिंग सो गाइस ओवरऑल व्यू अगर देखा जाए तो ऑफकोर्स अपोलो इज़ नॉट एस सेम एज सरोजनी नगर बट कुछ सिमिलरिटीज़ है ट्रेंडी क्लोथ्स मिल जाएंगे आपको बट प्राइस थोड़े हाई रहेंगे एंड कुछ भी डिफेक्टिव या फेडेड नहीं रहेगा सो आई गेस दैट्स अ बैलेंस्ड थिंग मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद मुझे तो लग रही है भूख तो मैं तो चली खाने जाकर मैं थोड़ा पेट पूजा कर लूँ आप वीडियो को कमेंट शेयर लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए डू ऑल द गुड थिंग्स यू कैन डू तो गाइस अभी लास्ट में आते आते हमको वहाँ पे 2-3 हमारे सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स भी मिले जो हमारी वीडियो देखते हैं एंड मैं खुद इतनी ज़्यादा ओवरवेल्म हो गई तो मैं मतलब क्या रिएक्ट करूँ इट वॉज फर्स्ट टाइम अगर आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद देख लेना लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी सो उन लोगों को बताने के लिए कि सरोजनी नगर इन इंदौर एक सीरीज है जो मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए जिनको मैं बताऊंगी इंदौर का सरोजनी नगर क्योंकि दिल्ली का सरोजनी नगर तो सबने देखा है लेकिन आप देखोगे इंदौर का सरोजनी नगर तो दिस वन इज एपिसोड नंबर 2 फर्स्ट ऑलरेडी ऑन एयर हो चुका है फर्स्ट ऑलरेडी रिलीज हो चुका है एंड सेकेंड ये है थर्ड भी आने वाला है थर्ड ऑलरेडी फिल्म हो चुका है फोर्थ अब होगा सो का कलेक्शन गाइज लाइक आपको आगे वीडियोस में देखने को मिलेगा या आप आगे देख चुके होंगे मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई इस बार कलेक्ट मैं शॉपिंग के माइंड सेट से नहीं गई थी वरना आई वुड हैव स्प्लज्ड लॉट्स ऑफ मनी बट लाइक काफ़ी प्यारा कलेक्शन है क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन है तो ऑब्वियसली अभी शॉपिंग सब लोग करते हैं उस चक्कर में शायद उन्होंने अच्छे से अपना जो कलेक्शन अपडेट किया हुआ है मतलब सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा लाइक आई कैची थी और ऐसा था कि ओके ये तो मतलब ऐसे कि पहनने में आई जाएगा ये सब ऐसी चीज़ें तो बहुत ही लाइक एक्साइटिंग था इस बार का मेरा
अपोलो टावर विजिट, लाइक मैं बहुत मोस्ट ऑफन मैं विजिट करती रहती हूँ लाइक जस्ट टू चेक आउट कुछ न्यू क्या है क्या चल रहा है क्या चल रहा है, बिकॉज आई लव डूइंग दैट. एंड यू गाइज ऑल्सो लव माई शॉपिंग वीडियोज, लाइक फर्स्ट एपिसोड को भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, सो थैंक यू फॉर दैट. एंड लाइक शॉपिंग वीडियो, मुझे खुद को शॉपिंग करना पसंद है और आप लोगों को शॉपिंग वीडियो देखना पसंद है, तो इट्स लाइक विन विन सिचुएशन. अभी मैं रिसेंटली थर्ड एपिसोड की शूट के लिए मैं कहीं और गई थी, वो जगह आपको इस एपिसोड के बाद पता चलेगी ऑब्वियसली. अभी मैं ओपन नहीं करूँगी, सारा मजाक किरकिरा नहीं करना है. सो या तो मैं उस जगह पे गई, वहाँ पे लाइक कपड़े की लाइक क्वालिटी तो मैं इवन मेंशन ना ही करूँ तो अच्छा है, लाइक मैं इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई कि डिफेक्टिव पीसेज ऐसे वाले कपड़े थे, कोई एकदम वाव या कुछ अच्छा नहीं था. लाइक आई डोंट नो इतना हाइप क्यों है, वो आगे पता चलेगा और आगे बताना. So yeah guys, that's it for episode number 2, and if you like this video give it a big thumbs up, subscribe to my YouTube channel, and see you in the next episode of Sarojini Nagar in Indore.